नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रेकी म्यूजिक वाइब्रेशन में। यहाँ पर एक कांच का बल्ब है, दो बल्ब हैं और एक टाइल और पत्थर है। तो इनमें से नाजुक कौन है? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कांच का बल्ब ज्यादा नाजुक है। अगर इन दोनों को आपस में टकराया जाए तो कौन टूटेगा? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि कांच का बल्ब ही टूटेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चमत्कार होने जा रहा है, कुछ मिरेकल होने जा रहा है, इसको देखते रहिए। और प्रॉफिट रितंबराज मिरेकल, प्रॉफिट रितंबरा का मिरेकल है ये, और ये ऐसा होगा जिसको आप विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ पर इस कांच के बल्ब से ये पत्थर, ये टाइल तोड़ा जाएगा, यानी कि इस बल्ब को इतना पावरफुल, इतना शक्तिकृत कर दिया जाएगा रेकी की चमत्कारी शक्तियों से कि ये इस पत्थर को, इस टाइल को तोड़ने में सक्षम हो जाएगा। देखिए, प्रॉफिट रितंबरा ने ये बल्ब अपने हाथ में ले लिया है और इसको शक्तिकृत कर रहे हैं, अपनी पावर से, रेकी की पावर से, चमत्कारों से शक्तिकृत कर रहे हैं। और चमत्कार देखिए, अब दिल थाम लीजिए अपना, देखिए क्या होने वाला है, देखिए अब क्या होता है, देखते रहिए और देखिए क्या हो रहा है, अब देखेंगे। और ये उन्होंने बल्ब को छोड़ने वाले छोड़ दिया और देखिए टाइल टूट गई है, टाइल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, बहुत सारे टुकड़ों में टाइल बढ़ चुकी है। और पास से देखिए, और देखिए ये देखिए, बहुत सारे टुकड़े टाइल के हो चुके हैं और ये बल्ब टूटा नहीं है, एकदम सलामत है। और टाइल बहुत सारे टुकड़ों में टूट चुकी है, ये एक चमत्कार है, प्रॉफिट रितंबराज मिरेकल। इन्होंने इस बल्ब को इतना ताकतवर बना दिया अपने चमत्कार के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, रेकी की शक्ति के द्वारा, और ये इस पत्थर को तोड़ने में सक्षम हो गया। दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग एंड अमेजिंग।